बनाने की जरूरी नहीं है क्या सर? नहीं, जब पहले से दिया है तो क्यों बनाएंगे? तो सर इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा? भाई यहाँ जो गिवन है उसको तो लिख, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री, है ना? जब परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, हमारी कंडीशन थी कि पहला काम है क्वाड्रेटिक बनाना, दूसरा काम है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर बनाना। जब परफेक्ट होल स्क्वायर अपने आप में बना हुआ है तो क्यों काम टाइम वेस्ट करना, है ना? फिर डायरेक्टली थर्ड काम लगाओ ना, फिर डायरेक्ट थर्ड स्टेप लगाओ। तो यहाँ हमें सेकेंड स्टेप तक गिवन है। थर्ड पे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को किस तरीके से यूज करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वही है ना, वाई इक्वल टू कोस, एक बार वन हो जाएगा तो ये बनेगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर। एक वाई इक्वल टू, यहाँ कोस एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, टू तो का होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, और ये आ जाएगा यहाँ माइनस वन, माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा नाइन प्लस थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, है ना? तो रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू आ जाएगा फोर टू ट्वेल्व। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बोलिएगा, यहाँ तक आपके कोई डाउट है तो बोलिएगा भाई। आप इसी तरीके से सोल्व किया है, ये इसका आंसर है।